सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रो एडिटोग्राफी में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमें इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को ऐड फोटो पर जाना है, और ऐड फोटो पर जाने के बाद हम लोग को एक अपना अच्छा सा मॉडल सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक अपने मॉडल एक सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए मेरे मॉडल सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों, और इस वाले मॉडल को कुछ लार्ज साइज कर देना है दोस्तों, और इस तरह से एडजस्ट कर देना है इस बैकग्राउंड के ऊपर में। इसके बाद दोस्तों हम लोग को लेफ्ट साइड में एक इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इरेजर टूल पे हम लोग को सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद ये इरेजर वाले आइकन पे सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को हार्डनेस को मिनिमम 5 के अप्रोक्स में रख देना है, और उसके बाद कुछ इस तरह से इरेज कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को राइट साइड में ओके का आइकन मिल जाएगा दोस्तों, इसे हम लोग को प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ राइट साइड में हम लोग को ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, इस ओपेसिटी को हम लोग को 70 के अप्रोक्स में रख देना है, और यहाँ से डन कर देना है। लेफ्ट साइड में एक आइकन है, इसे प्रेस करके यहाँ से डन कर देना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को दोबारा से ऐड फोटो में जाना है, और इस बार दोस्तों हम लोग दूसरा मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इस मॉडल की PNG बना रखी है, इसलिए मुझे यहाँ से आसान होगी। और दोस्तों इस बार इस वाले मॉडल को हम लोग को कुछ छोटा साइज में इस तरह से एडजस्ट करना है दोस्तों, आप अच्छी तरह से रेशियो मिला लेंगे। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग को लेफ्ट साइड में एक लेयर वाली ऑप्शन मिल जाती है, उस लेयर वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग को तीन ऑप्शन मिलेगी, उन तीनों में से सबसे लास्ट वाला जो हम लोग को डुप्लीकेट ऑप्शन मिलती है दोस्तों, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास एक सेम इमेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। उस इमेज के दोस्तों यहाँ से हम लोग को सिंपली रोटेट करना है पूरी तरह से, और रोटेट करने लेने के बाद दोस्तों हम लोग को इसके सू के नोट के पास इसे मिला देना है, और राइट साइड में हमें फ्लिप रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग फ्लिप रोटेट कर देंगे। और फ्लिप रोटेट करने के बाद दोस्तों हम लोग लेफ्ट टू राइट वाले रोटेट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से लेफ्ट टू राइट वाले रोटेशन करवा दिया अपने इमेज में। इसके बाद दोस्तों हम लोग को फिर से लेफ्ट साइड में इरेजर टूल मिल जाती है, उसे सेलेक्ट कर लेना है, और इरेजर वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद और हार्डनेस को फिर से हमें 10 के अप्रोक्स में रख देना है, और इस बार ओबेसिटी को हम लोग 50 के अप्रोक्स में रख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम लोग ये सू को इरेज करने वाले हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों हमारे इमेज में जो है एक अच्छी तरह से मिरर लुक आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग राइट साइड से ओके कर देते हैं, और अगेन हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड से डन कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ से ड्रॉ टूल में जाना है, और ड्रॉ टूल को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक ड्रॉ आइकन मिल जाएगा, ड्रॉ आइकन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा हम सामने। उसके बाद दोस्तों हम लोग को ब्रश टूल में जाना है, ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है, और इस वाले ब्रश को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर करने के बाद दोस्तों हम लोग को ओबेसिटी को 20 के अप्रोक्स में रखना है, जैसे कि मैंने रख चुका पहले से, और उसके बाद यहाँ से एडजस्ट करना है दोस्तों। एडजस्ट करते समय देखिए दोस्तों, मेरी पहले से हार्डनेस 1 कर रखा है मैंने, आप लोग का भी हार्डनेस 1 रखना है, और जूम एबिलिटी आप लोग का ऑन होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से सेट कर देना है, और आपके इमेज के लोअर पोर्शन में कुछ इस तरह से दोस्तों ब्रश चला देना है एक बार, और ऐसे चला देने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को इफेक्ट्स में जानी है दोस्तों। इफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों ये कलर वाला जो होता है इफेक्ट, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर्स वाला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग को एक सेचुरेशन वाला ऑप्शन यहाँ मिल जाती है। ये देखिए, ये सेचुरेशन वाला ऑप्शन को आप लोग को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे हम लोग को एडजस्ट करना है। यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 70 हो रखा होता है सेचुरेशन दोस्तों, जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे कम कर रहा हूँ थोड़ा, और इसे 65 के अप्रोक्स में रख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इरेजर ऑप्शन मिल जाएगा हमें, और इरेजर ऑप्शन को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ताकि हम लोग अपने फेस का सेचुरेशन नहीं ख़राब करें, क्योंकि मैंने पहले से अपने फेस को अच्छी तरह से इरेज कर रखा था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कर लेने के बाद आप लोग को डन कर देना है दोस्तों, और फाइनली आप लोग को राइट साइड से आपको पूरी तरह से डन कर देना है। और दोस्तों हमें अपने फ़ोटो में एक लास्ट वर्ड करना है, जो कि 2 PNG ऐड करना है दोस्तों। तो उसके लिए सिंपली हम लोग ऐड फोटो पे जाना है, मैं ये 2 PNG ऐड कर रहा हूँ दोस्तों अपने फ़ोटो में। पहला PNG मैं इधर
स्लाइड कर देता हूँ दूसरे पीएनजी को सिलेक्ट कर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों। ये पीएनजी मैं डिग्निटी लाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं ये पीएनजी को यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें राइट साइड में ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है। ये ब्लेंड को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद स्क्रीन पर सिंपली अप्लाई कर देना है। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर सिंपली अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का हम लोग का अपीयरेंस मिलने लगेगा अपने फोटो में। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमें एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जिसे कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो फाइनली तैयार हो चुका है। सेव कर लेते हैं अपने फोटो को। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं।